हेलो जय सिंह जी, मेरा नाम चिंपू है, मैं क्यूब मैजिशियन का असिस्टेंट हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए पर ये क्यूब सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो सकता है टाइम लगे पर मैं इसको बना लूंगा। जय सिंह जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर इस क्यूब को नॉर्मल तो क्या कोई आज तक मैजिक से भी नहीं बना पाया। मैजिक से बनाना तो मेरी एक चुटकी का काम है। अरे जय सिंह जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मैजिक से भी इसे नहीं सेट कर सकते। बन जाए तो अच्छा, नहीं बना तो आप फिर नॉर्मल ही ट्राई करके देखिएगा। चिंपू, वैसे तो मैं मैजिक करना नहीं चाहता, पर सिर्फ तुम्हें साबित करने के लिए मैं मैजिक से इसे अभी बनाकर दिखाता हूँ। काम बन गया। डिवाइस का, डिवाइस का क्यूब सीनरी इमेज क्रिएटो। जय सिंह जी, आपने चीटिंग से क्यूब को सेट किया है और चीटिंग करने वाले मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अब चीटिंग की है तो सजा भी जरूर मिलेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ चिंपू को बता रहा था कि ये मैजिक से सेट हो सकता है। वो मैंने नहीं सुना, मैंने सिर्फ देखा कि आपने चीटिंग से क्यूब सेट किया है, सजा तो मिलेगी। बराबर मिलेगी। पर ये तो गलत है। रुद्रा, वो दादाजी, उस क्यूब, मैंने देखा। अरे नीला, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ दादाजी को? रुद्रा, मैंने देखा कि दादाजी पार्टिकल बनकर उस क्यूब के अंदर समा गए। जल्दी चलो। क्या? क्या? दादाजी आप कहाँ हैं? अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? हमारे दादाजी यही थे और अब मिल नहीं रहे। रंगीला बता रहे हैं कि उन्होंने दादाजी को इस क्यूब में समाते देखा है। जय सिंह जी से क्यूब सेट नहीं हो रहा था तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप चाहे मैजिक भी कर लीजिए पर ये क्यूब सेट नहीं होगा। उन्होंने खुद कहा मैजिक से क्यूब सेट करना उनके लिए चुटकियों का काम है। हाँ। तुमने सुना रुद्रा, जय सिंह जी ने मैजिक से क्यूब सेट किया और क्यूब ने उनको पनिश किया। अब तो जो होना था सो हो गया। तुम चाहो तो हमने मैजिक से उन्हें बाहर निकाल कर देख लो। तुम दोनों ने मेरे दादाजी के साथ धोखा किया है पर मैं रुद्रा उनको इस क्यूब में कैद नहीं रहने दूंगा। इबाइस का दादाजी इमेज पुलीटो। अरे बॉस, ये तो इनको बाहर निकाल रहा है। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता।